प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत यानी कि डीआर में 4% की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर हर महीने 200 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डी और डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का डी और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत यानी डीआर में वृद्धि करती है। पहली बार ये वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार ये जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी डी और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डी और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए और डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। हालांकि इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत यानी कि डीआर में 4% की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर हर महीने 200 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डी और डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का डी और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत यानी डीआर में वृद्धि करती है। पहली बार ये वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार ये जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी डी और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डी और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डी और डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को डी और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। हालांकि इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।